तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एसी टेक के यूट्यूब के चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग बिल जो होता है वो इन बिल इनवॉइस जो होता है दुकान का, मोबाइल शॉप हो, कंप्यूटर का दुकान हो या किसी भी तरह का दुकान हो, तो वो आप आसानी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बिल को आप बना सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी बिल हम लोग बनवाते हैं या बनाना होता है तो नॉर्मली फोटोशॉप या कोरलड्रॉ में बनाते हैं। अगर आप मान लीजिए आप कोर्स अप नहीं किए हुए हैं फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरलड्रॉ का, तो आप आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वही बिल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी आप आसानी से बना सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बिल को, कोटेशन को हम कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आ चुके हैं हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एमएस ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हैं, आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि एमएस वर्ड ओपन करने के बाद पेज लेआउट पे जाना है आपको, मार्जिन पे जाके आपको नैरो कर देना है। इससे क्या होता है कि आपका एकदम सबसे कम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब 0.5 इंच ही गैप रहेगा, तो ये हमारा देखने में ठीक लगेगा, तो वो हम लोग कर लेंगे। उसको करने के बाद हम लोग को क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको टेबल में जाना है, ठीक है। तो टेबल में आपको इंसर्ट टेबल पे जाइए, यहाँ पे आपको कॉलम लेना है 5, रो की संख्या आप ले लीजिए, इसमें हमको लगता है 7-8, जो ज़रूरत पड़े आप बाद में मिटा भी सकते हैं, बाद में जोड़ भी सकते हैं, तो हम लेके ओके करेंगे, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको ऐसे क्लिक करना है और इसको यहाँ से ऐसे गैप देना है, इसमें इतना सा गैप हम दे दिए। गैप देने के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से मिटा सकते हैं। पहला तरीका, इसको सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे और मर्ज कर देंगे कि लाइन आपका हो जाएगा ख़त्म। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ भारी लग रहा है तो एक तरीका और है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन में आपको यहाँ इरेजर मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आप इरेजर के थ्रू सब लाइन को क्या कर सकते हैं, ऐसे जाके मिटा सकते हैं। तो आपको दोनों में जो ऑप्शंस लगे आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आज ये होम पे, अब आपको अलाइनमेंट कर देना है सेंटर्ड, शॉर्टकट की है Ctrl+E, तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस करते हैं यहाँ तो आप बीच में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है कैश एंड रिटेल टैक्स इनवॉइस, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे आराम से, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कर दीजिए अंडरलाइन और कर दीजिए बोल्ड, तो ये हो गया हमारा। इंटर मार के हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद बोल्ड और अंडरलाइन को हम लोग कर देंगे ख़त्म। अब यहाँ पे हम लोग मोबाइल शॉप का नाम देंगे, आपके दुकान का जो भी नाम है वो आप, हम यहाँ पे डेमो बना रहे हैं तो हम अपना यहाँ पे दे देते हैं फिलहाल, AIC टेक मोबाइल शॉप, ये हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, बड़ा करते चलिए, तो आपको जितना अच्छा लगे तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा है, ये ठीक है। अब इसके फॉन्ट को हम थोड़ा सा बदल लेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल में आपको जैसा चाहिए जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, बहुत सारा फॉन्ट है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्कैलेरियन का, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसका कलर बदलना चाहें तो आप इसका आराम से कलर भी बदल सकते हैं, तो हम ले लेते हैं रेड, ये हो गया। अब नीचे आएंगे हम, नीचे लाइन पर, नीचे लाइन आने के बाद हम पहले फॉन्ट को हम लोग कर लेंगे नॉर्मल एरियल कर लेते हैं, ठीक है, या एरियल ब्लैक भी आप जो लगे आपको अच्छा वो ले लीजिएगा, हम एरियल ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कलर भी हम कर देते हैं ब्लैक, क्योंकि नीचे हमको ब्लैक ही कलर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डील्स इन, ये देंगे, और टाइप ऑफ न्यू एंड एंड को हम लोग दे देते हैं इसमें लोगो, ठीक है, शॉर्ट, एसेसरीज, ये लिख दिए हम। लिखने के बाद अगर आपको लगे कि फॉन्ट मेरा ज़्यादा हैवी लग रहा है, बोल्ड लग रहा है,
तो आप एरियल से बदल के चले लीजिए टाइम्स न्यू रोमन। तो ये आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर बड़ा करना चाहें तो फिर सेम तरीका, यहाँ से आप इसको बड़ा कर लीजिए, इतना लग काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है छोड़ देंगे। अब उसके बाद फिर इंटर करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉप नंबर, हम दे देते हैं 5। उसके बाद यू है बिहार, ये हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा चाहेंगे कि थोड़ा यूनिक दिखे तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा रखिए, ये ठीक काफ़ी है इतना अच्छा। अब बोल्ड भी कर देते हैं इसको, ठीक है ये हो गया। करने के बाद हम इस लाइन को और थोड़ा सा नीचे करेंगे, लोगों के लिए इतना थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये काफ़ी है। अब हम इंसर्ट पर जाएंगे, सेप पर जाएंगे। सेप पर जाने के बाद क्या करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर हम इसको ऐसे बना देंगे। यहाँ एक बन जाने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप इसको क्लिक करके खींचेंगे तो इसका डुप्लीकेट बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा कितना बनता है टोटल, इस साइज में आपका जितना आएगा हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। टोटल हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो ये अभी हमारा शेप बन गया, हम इसमें लोगो बाद में डालेंगे। और एक शेप ले लेते हैं हम लोग यहाँ से सर्किल वाला, ताकि हम बाद में यहाँ पर हम लोगो भी अपना लगा सकते हैं। तो लोगो लगाने के लिए ये हम यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे, इसके आने के बाद आपको क्या करना है कि एक लाइन छोड़ के बीच वाले को थोड़ा सा गैप बढ़ाना है। यहाँ पे हम लोग ये वाला इतना कर दिए, ठीक है। फिर लाइन को आपको मर्ज करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, राइट क्लिक करके हम इसको कर देंगे मर्ज सेल। तो ये सारा हमारा आपस में मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिल नंबर, ठीक है। बिल नंबर दे के थोड़ा सा डैश देंगे। आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा सट्टा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जाएंगे यहाँ पे, यहाँ वाला ऑप्शंस पे आप आइए, लाइन स्पेसिंग पे, ऐड स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ, ये हो गया हमारा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग नाम के लिए मिस्टर और मिसेज दे देंगे, उसके बाद लाइन दे देंगे, ठीक है ये हो गया हमारा। अब हम लाइन स्पेसिंग इसमें हमको नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको और लाइन स्पेसिंग को हम लोग कर देंगे रिमूव। तो ये हमारा लाइन स्पेस चिपक गया, ठीक है। अब उसके बाद इंटर करके आपको फिर से नीचे आना है, नीचे आने के बाद हम लोग लिखेंगे AWDRE एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए एक लाइन और ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब उसके आने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि एक को फिर छोड़ेंगे और पूरा नीचे लेके आएंगे इसको हम, ठीक है। चलिए इसको रुकिए, एक को यहाँ रख देते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा ऐसे, यहाँ से इसको हम लोग कर लेंगे, एक को और छोड़ना है। अब ये क्यों छोड़ें तो आपको ये पता चल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा कर देंगे और अंदर, यहाँ पर क्वान्टिटी देंगे तो ये इतना काफ़ी है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं, पहले लिखते चलते साथ साथ ताकि दिक्कत नहीं हो। ये हो गया क्वांटिटी के बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ जीवन गुड्स, ठीक है ये हो गया। अब हम इस लाइन को कर देंगे मर्ज, इसको करेंगे राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे मर्ज, ठीक है। इसको भी करना था, दोनों को करके कर देंगे मर्ज ताकि आपस में मिल जाए। और इसको हम लोग कर देंगे कंट्रोल प्लस ई, तो ये बीच में आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद इस लाइन को करना है हमें यहाँ पे, अमाउंट के लिए इतना काफ़ी है। अमाउंट के बाद हमारा जो रेट होता है उसके लिए हम इसको यहाँ दे देंगे। तो इसमें हम लोग लिख देंगे rate, इसमें लिख देंगे अमाउंट, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा, सब सेलेक्ट करके सबका हम अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर, ताकि ये बीचों बीच रहे हमारा, ठीक है। तो ये आपका बन गया है। अब हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको जितना इसमें पहले आपको लगता है कि आपको जितना बिल में जगह चाहिए आप उतना इसमें दे सकते हैं, और देना चाहें और दे लीजिए, ठीक है इतना काफ़ी है। तो हमारा जूम थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको कम कर दे रहे हैं, ठीक है ये हो गया हमारा। चलिए अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, एक लाइन को पहले थोड़ा सा गैप दे के ऐसे छोड़ लेंगे, माउस चलाना थोड़ा सा यहाँ, हाँ यहाँ कर लेंगे इसमें गैप। अब नीचे में हम इस सबको कर देंगे मर्ज, नीचे में हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे,
रुकिए एक सेकंड, पहले हम लोग लिखते चलते हैं सब में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट किए और इसको कर देते हैं हम लोग मर्ज सेल, मिल जाएगा आपस में हमारा। इसमें हम लोग लिखेंगे, पहले इधर का काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टी ए एक्स टैक्स, और उसके नीचे हम लोग लिख देते हैं टोटल टोटल, ठीक है। अलाइनमेंट हम सेलेक्ट करके सेंटर कर लेंगे, ये हमारा बीच में आ गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, रुकिए, तो ये लाइन को भी हम लोग ले लेंगे इसी में, इसको कर देंगे मर्ज, ये मिल गया। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा हो गया ये, इस दोनों को हम थोड़ा बोल्ड भी कर दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पे लाइन देना शुरू करेंगे। इंटर मार के नीचे आएंगे, एक लाइन और देंगे, तो ये हो गया हमारा अमाउंट इन वर्ड हो गया, टेक्स्ट हो गया, टोटल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को देना होता है नोट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी लाइन को हम लोग कर देंगे मर्ज, ताकि ये सभी लाइन एक हो जाए। इसको थोड़ा सा हम लाइन बढ़ा भी दे रहे हैं, आप बढ़ा सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि दूसरी लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी, भोजपुरी, आपको जो चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ हम और न्यू जान जाएंगे आज, कि आज हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग जानेंगे कि आखिर हिंदी कैसे लिखेंगे। अब आपको हिंदी टाइपिंग नहीं पता है, एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं, हिंदी टाइपिंग आप नहीं सीखें और आपको हिंदी लिखना है, तो वो प्रॉब्लम भी आपका आज खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज हम लोग इसमें ये जान बताएंगे आपको कि आपको हिंदी टाइपिंग नहीं पता है तो कैसे लिखेंगे। तो अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपके पास माइक होना ज़रूरी है, सिर्फ इस चीज़ के लिए। अगर माइक नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर माइक रहेगा तो और ईजी हो जाएगा। हम आपको दोनों तरीका बता दें। तो क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, ट्रांसलेट ऑप्शंस को खोलना है। ऑप्शन खोल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो डिटेक्ट लैंग्वेज है इसको कर देना है हिंदी, हिंदी कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप जो भी लिखेंगे, जैसे आप देखिए नोट लिखे तो नोट आ गया, आप इंटर मारेगा तो नोट आ जाएगा, ये आ गया। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर आपको बोल के रिकॉर्ड करना है तो हम जैसे बोल के करेंगे कि हमको उसे बोलना है, तो देखिए आप यहाँ पे बोलिएगा वो हिंदी में टाइप होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, इसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे माइक पे क्लिक करने के बाद हम लिखना बोलेंगे जो लिखाएगा। नोट, मोबाइल में कोई भी खराबी आने पर ग्राहकों को खुद सर्विस सेंटर जाना होगा। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब आप इसको यहाँ से क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। देखिए कितना आसान तरीका है इंग्लिश हिंदी लिखने का। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे कंट्रोल के साथ भी, नहीं तो राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं पेस्ट। तो आपका टेक्स्ट आ गया, नोट के बीच में आपको जो भी सिंबल देना है आप दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा बड़ा है तो आप छोटा कर सकते हैं, लगे छोटा है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम फिर से इंटर मारेंगे, और अगर इसको हमें इसमें हमको कुछ अभी और ऐड करना है दो तीन लाइन, तो फिर से हम जाएंगे यहाँ, इसको हम लोग कट करेंगे, रिकॉर्ड पर क्लिक करके फिर बोलेंगे दुकानदार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। रिकॉर्डिंग बंद किए, फिर से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल के साथ सी, आएंगे हम लोग यहाँ पे और कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। तो ये हो गया। अब फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से एक लाइन ऐड करेंगे, और तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। ऊपर दी गई शर्तों को मैंने पढ़ लिया है और मुझे यह मंजूर है। हो गया। तो अब ये हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब नीचे आएंगे दो बार और थोड़ा सा बीच में लाके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेस मार के सिग्नेचर में भी टाइपिंग में थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो जाता है, ये हो गया। स्पेस मार के हम लोग आएंगे इस तरफ, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे सिग्नेचर। हमारा हो गया। अगर ये दो बार वर्ड आ रहा है इसीलिए दे रहा है, तो हम लोग इसको इग्नोर करके सही कर लेंगे। हो गया ये। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे ये हो गया। अब मान लीजिए ये दुकान का दुकानदार का साइन रहेगा यहाँ, तो दुकानदार का नाम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेप, सेप लेंगे, ले लेंगे यहाँ पे ये रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर लेंगे, इसमें लिख देंगे ए आई सी टी सी एच टेक, ठीक है। अब आप उसको क्या करना है कि आउटलाइन, यहाँ पे सेप आउटलाइन में जाना है,
और नो आउटलाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका आउटलाइन जो वो ख़त्म हो जाएगा। आप इसको आराम से क्या कीजिए, जहाँ रखना चाहें वहाँ आप आसानी से रख सकते हैं। ये हो गया, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा लेफ्ट राइट क्या है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका। चलिए, तो ये हो गया आपका नीचे का काम कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर आते हैं। डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी रेट ठीक है हमारा सारा चीज़, इधर भी ठीक है। अब हम लोग का मेन काम बच गया ऊपर का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो हमने सेव बना रखा है इसमें हम लोगो डालेंगे। तो लोगो डालने के लिए आप उसको क्या करना है, इस पर डबल टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा फॉर्मेट में सेव फील, सेव फील पर जाना है, पिक्चर में आपको जाना है। तो पिक्चर में आपको बहुत सारा आपको फोटोज़ जो है आपको वो मिल जाता है, गूगल इमेज पे जाके आप डाउनलोड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले ले लेते हैं वन प्लस, ओके करेंगे तो वन प्लस आ गया। फिर दूसरे पे आएंगे, सेव फील में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर्स में जाएंगे, इसके बाद ले लेते हैं मोटोरोला, ओपन करेंगे मोटोरोला आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, फिर सेव प्रिंटर जाएंगे, पिक्चर पर जाएंगे। पिक्चर पर जाने के बाद हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ओप्पो, ओप्पो लेके ओके करेंगे, ओप्पो हमारा आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, फिर सेव फील पर जाएंगे, पिक्चर्स पर जाएंगे, यहाँ पे ले लेते हैं रियलमी, यह करेंगे रियलमी आ जाएगा, इसमें रेडमी ले लेंगे, यहाँ पे जाएंगे पिक्चर्स में जाएंगे, आपका इसमें रेडमी का भी होगा डाउनलोड करके रखिए, लेंगे इंसर्ट करेंगे तो रेडमी आ गया। अब मान लीजिए ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, आप आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे। तो इस पर क्या कर, एक को करके दिखाते, इस पर क्लिक करेंगे, सेव आउटलाइन पर आप जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे नो आउटलाइन, तो ख़त्म हो जाएगा। अब हम आपको सारा करके दिखाते, एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, सबको शिफ्ट के साथ क्लिक करते जाएंगे तो सब एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। सेव आउटलाइन पर जाएंगे और कर देंगे नो आउटलाइन, तो सबका जो आउटलाइन है वो आपका हो जाएगा ख़त्म। देखिए अब आपका ये अच्छा लगने लगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे लोगो डालना है। आपको अगर लिखने का हो तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, अगर पिक्चर लोगो डालना है तो आप पिक्चर या लोगो कुछ भी आप डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। सेव फील पर जाएंगे, पिक्चर पर जाएंगे, तो हमारा यहाँ लोगो जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। लोगो इसमें आपको जो आप अच्छे से बना के रखिएगा वो आपका दिखेगा, ठीक है। तो जो मेरे पास पहले से बना हुआ था वो ले लिए, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए डेमो है ये। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब इस तरफ हमको मोबाइल नंबर जीएसटी कुछ भी देना है तो इंसर्ट पर जाएंगे, सेव पर जाएंगे, ये लेंगे। यहाँ पे हमको जीएसटी नंबर अगर लिखना हो तो वो लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा इसे यहाँ से बढ़ा लीजिए, साइज को अगर लगे ठीक है आपको तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर क्लिक कीजिए, आउटलाइन पे जाइए और इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। अब आप इस नंबर को जहाँ रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा बाहर चला गया, इसको हम लोग कर लेंगे इधर और इसको यहाँ से कर देंगे छोटा, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका बिल बन के रेडी है, बिल नंबर हो गया। अगर आपको लगे कि इसमें ये सबको हमको ज़्यादा थोड़ा सा गैप देना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जाना है आपको, दे देना है 1.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबके बीच में गैप आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे बिल नंबर लिख सकते हैं, मिस्टर मिसेस जो भी नाम है उनका नाम लिखिए, एड्रेस दे दीजिए, क्वांटिटी में आपको जो देना, डिस्क्रिप्शन अप्रूव रेट और अमाउंट देने के बाद नीचे आपको टोटल के लिए मिल रहा, अमाउंट इन वर्ड में हो गया। तो ये हमारा बन के हो गया रेडी। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये आपका बिल आ गया, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, कलर प्रिंटर से आराम से प्रिंट करके इसको निकाल सकते हैं, जितना भी पीस चाहिए। अगर किसी दुकानदार को प्रिंटर को प्रेस में देना है तो वहाँ आप दे दीजिए। अगर आप इसको पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपके पास एक ये है कि विंडोज़ 10 होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो कैसे बनाएंगे इसको पीडीएफ में, तो यहाँ पर हम इसको ऑफिस बटन पर जाएंगे, प्रिंट पर जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो आप पहले देख लीजिए आपका बिल ठीक है, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लेंगे और इसको हम लोग ओके करेंगे। तो ये पूछेगा सेव कहाँ करना है, तो हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, एआईसी टेक मोबाइल बिल, ठीक है। ये आपका हो गया सेव, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कर देते हैं बंद। तो ये पूछेगा इसको सेव करना है, तो हाँ सेव कर देते हैं हम इसको भी बिल के नाम से, ओके कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, आना है डेस्कटॉप पर, आपका सेव था एसीटेक मोबाइल बिल के नाम से हमारा पीडीएफ। तो पीडीएफ हम लोग पहले देख लेते हैं हमारा पीडीएफ किधर है, ये
ये रहा हमारा पीडीएफ। तो आप इसको ओपन करेंगे जब, तो आपको जो है आपका वो बिल आपको दिखेगा। ये रहा हमारा पीडीएफ, देख लीजिए। तो आपका बिल बनके रेडी है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो लिखना चाहें नॉर्मल एमएस ऑफिस में आप वहाँ पे लिखिए और बिल को आराम से प्रिंट करके भी कंप्यूटर से आप दे सकते हैं। तो चलिए, तो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का नया नया वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।